नमस्कार, मैं मीनू पांडे आप लोगों का वाइब्रेशन क्लासेस होम साइंस में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हम लोग अभी तंतुओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने उसमें सारा पूरा पढ़ा था कि तंतुओं के जो होते हैं वो घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व कितने होते हैं, अवशोषकता तंतुओं में कितनी होती है, उनके टूटने की क्षमता कितनी होती है, तो इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आगे आज हम लोग के बारे में पढ़ेंगे वो कि कौन से विरंजक होते हैं, कौन से ब्लीच होते हैं जो तंतुओं पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, और कौन होते हैं जो उनके लिए अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले हम जिस एसिड के बारे में देखेंगे वो सॉरी जिस ब्लीच के बारे में देखेंगे वो आपका अम्ल है। तो हम देखेंगे किस प्रकार से जो एसिड है वो तंतुओं पर रिएक्शन करता है। जैसा कि कपास को अगर हम देख ले, तो कपास के लिए जो अम्ल के ब्लीच होते हैं वो हानिकारक होते हैं, क्योंकि जितने भी आपके सेलुलोज निर्मित तंतु होते हैं उन सबके लिए अम्ल क्या करता है कि हानिकारक उनके लिए होता है। जैसे आपका कपास हो गया, फ्लैक्स हो गया, लिनन हो गया। और यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जितने भी आपके प्राकृतिक तंतु होते हैं, और प्राकृतिक तंतुओं में भी जितने आपके वनस्पति के तंतु होते हैं उनके लिए जो है क्या करता है कि ये अम्ल हानिकारक होता है। जैसे आपका कपास हो गया, फ्लैक्स हो गया, लिनन हो गया, हेम्प हो गया, जूट हो गया, सीशल हो गया, बाका हो गया, तो इन सब पर क्या होता है कि अम्ल का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और उसी में जैसे आपका रेशम है और ऊन है जो कि प्राणी तंतु हैं, तो उन पर क्या होता है कि ये हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, उनके लिए जो अम्ल होता है वह उनके तंतुओं के लिए अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर रेशम में आपको एक बात ध्यान देने की ज़रूरत ये है, जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो आपका खनिज अम्ल है, जैसे यहाँ पे देखिए जो आपका ये खनिज अम्ल है इनके लिए क्या है कि रेशम हानिकारक होता है, मतलब खनिज अम्ल जो होता है वो रेशम के तंतुओं के लिए हानिकारक होता है। लेकिन जो आपका कार्बनिक अम्ल होता है वो उनके लिए अच्छा होता है। तो ऐसे ही हम और सारे जो तंतु यहाँ दिए हुए हैं उनकी, जैसे रेयॉन के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि रेयॉन क्या होता है, सेलुलोज निर्मित तंतु होता है, तो रेयॉन के लिए अम्ल हानिकारक होता है। आपके पॉलिएस्टर के लिए प्रतिरोधक होता है, मतलब अच्छा होता है। नायलॉन के लिए आपके हानिकारक होता है। एक्रिलिक के लिए आपका ये प्रतिरोधक होता है। एसीटेट के लिए हानिकारक होता है, और ऊन के लिए प्रतिरोधक होता है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको देखने की ये जरूरत है, वैसे आप अगर प्राकृतिक तंतुओं में डिफरेंस करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं कि जितने भी आपके प्राकृतिक तंतु होते हैं और उसमें भी आपके वनस्पति तंतु जितने भी होते हैं उनके लिए जो आपका अम्ल होता है वो हानिकारक होता है। अदरवाइज जो आपके प्राणीज होते हैं उनमें जैसे आपका ऊन और रेशम है, तो ऊन के लिए ये प्रतिरोधक होता है, और रेशम के लिए भी जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो प्रतिरोधक होते हैं, लेकिन जो आपके खनिज अम्ल होते हैं वो हानिकारक होते हैं। अब हम देखेंगे कि क्षार का प्रभाव कौन कौन से तंतुओं पर किस प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार पड़ता है। तो अब यहाँ पे जितने भी आपके यहाँ पे उल्टा है, जितने भी आपके ये प्राकृतिक तंतु हैं और वनस्पति तंतु हैं वो उनके लिए जो क्षार है वो प्रतिरोधक होता है, और जितने भी आपके प्राकृतिक में प्राणिज तंतु आते हैं उनके लिए जो क्षार का प्रभाव होता है वो हानिकारक होता है। तो अब हम देखेंगे कि कपास के लिए प्रतिरोधक है, फ्लैक्स के लिए प्रतिरोधक है, सिल्क के लिए हानिकारक है, ऊन के लिए हानिकारक है, एसीटेट के लिए थोड़ा प्रभाव, मतलब अगर जो है थोड़ा प्रभाव, जैसे ठंडा जो है आप क्षार का प्रभाव प्रयोग करके एसीटेट के तंतुओं पर प्रयोग कर रहे हैं तो उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। फिर आपका एक्रिलिक होता है जिसके लिए ये प्रतिरोधक रहता है, नायलॉन के लिए, पॉलिएस्टर के लिए, रेयॉन के लिए, इन सब के लिए क्या होता है, क्षार का प्रभाव प्रतिरोधक होता है। सेलुलोज निर्मित जितने भी तंतु होते हैं उनके लिए क्षार का प्रभाव प्रतिरोधक होता है, उनके लिए ये अच्छा माना गया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में हम आपके देखेंगे जैसे ऑक्सीकारक विरंजक का प्रभाव। तो जो ऑक्सीकारक विरंजक होता है ये सभी वस्त्र तंतुओं के लिए संवेदनशील होता है, तो इसको बहुत ही सावधानी के साथ हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसका जो है सबसे मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ये जब इसका जब हम प्रयोग करें तो हम सबसे पहले ये देख लें कि हमारा जो कपड़ा है वो कौन सा है, जैसे वो आपका प्राकृतिक तंतु का है कि रासायनिक या संश्लेषित तंतु हैं, इन सब का ध्यान देकर ही हमें इसका प्रयोग करना चाहिए।
कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है कि तंतु को कमरे के तापक्रम पर कपास लिनन और रेयान हित उपयोग में लाया जाना चाहिए। मतलब एक एक मेंटेन टेम्परेचर होना चाहिए, एक बैलेंस का टेम्परेचर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग इन सारे तंतुओं के लिए कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि अगर वो टेम्परेचर अगर वो नॉर्मल नहीं है, वो सामान्य नहीं है, उससे कहीं अधिक है, तो वह तंतुओं को लिए हानिकारक होता है और उन्हें नष्ट भी कर देता है। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने की ये है कि हाइपोक्लोराइड जो होता है उस घोल को हमें एसीटेट रेयान पर प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए बिल्कुल भी प्रतिरोधक नहीं होता है। और जो आपका हाइपोक्लोराइड घोल होता है वो उसका प्रयोग हमें प्राणी तंतुओं पर भी नहीं करना चाहिए। इन्हें विरंजक के रूप में हमें नहीं प्रयोग करना चाहिए। आपका जो सिल्क और ऊन होता है इसका जो इसके लिए क्लोरीन का उपयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि यह क्लोरीन और लेकिन क्लोरीन का उपयोग करते समय भी थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, तो उन पर इनका प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये बहुत कम ही हानिकारक इनके लिए होते हैं। तो हमें जो गर्म क्षारीय घोल जो होता है इसका गर्म क्षारीय जो तंतु होता है, जैसे हमने पढ़ा कि क्षारीय जो होते हैं वो आपके सिल्क और ऊन के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन क्षारीय तंतुओं का प्रयोग हम हल्का जब इसे गर्म करके मतलब जो अब ये क्षार होता है इसे गर्म करके उबाल कर थोड़ी सी सावधानी रखकर हम इसे इस पर तंतु सॉरी रेशम और ऊन पर इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। फिर रिड्यूसिंग ब्लीच होता है। रिड्यूसिंग ब्लीच जो होता है इस पे क्या होता है कि सेलुलोज तंतुओं पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, और लेकिन ऊन पर इनका प्रभाव पड़ता है। और आपका जैसे संश्लेषित तंतु होते हैं इन पर भी इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो कार्बनिक घोलक होते हैं इन पे किसका किसका प्रभाव पड़ता है। तो कार्बनिक जो घोलक होते हैं इनमें कपास के लिए प्रतिरोधक होता है, फ्लैक्स के लिए ये प्रतिरोधक होता है, रेशम ऊन सभी के लिए, जितने भी आपके मानव निर्मित तंतु होते हैं जैसे एक्रिलिक आर्मीड नायलॉन पॉलिस्टर रेयॉन स्पेंडेक्स सबके लिए कार्बनिक घोलक क्या होता है प्रतिरोधक होता है। तो देखा जाए तो जो कार्बनिक घोलक होता है वह एक ऐसा ब्लीच है जिसका प्रयोग हम सभी तंतुओं पर आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम ये पूछता है कि ऐसा कौन सा घोल है जिनका प्रयोग हम आसानी से सभी तंतुओं पर कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कि रेशम का भी जो था उस पे हम जो अम्ल था वो कार्बनिक घोल का प्रयोग हम उस पे कर सकते थे, तो इसलिए खनिज अम्ल का प्रयोग नहीं कर सकते थे लेकिन कार्बनिक अम्ल का प्रयोग हम कर सकते थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार कार्बनिक गोली एक ऐसा ब्लीच है जो सभी रेशमों सभी तंतुओं के लिए क्या होता है कि प्रतिरोधक का कार्य करता है। अब हमें एक चीज़ का और ध्यान देना चाहिए कि जब हम तंतुओं की सफाई कर रहे हैं, जब हम उन पे जैसे दाग धब्बे पड़ गए हैं उनको छुड़ा रहे हैं, तो हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपका प्राकृतिक तंतु हो गया, आपका जो है मानव निर्मित तंतु हो गया, तो इन सब पर जब हम डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं अधिकांशतः हम यही करते हैं कि उन सब के लिए डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं, तो लेकिन हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि कौन से तंतु किस प्रकार से निर्मित किए गए हैं, किस प्रकार से वो बनाए गए हैं, और जब हम मार्केट में उन्हें लेने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जैसा अगर कपड़ा आपका डेली डिटर्जेंट जो आप यूज करते हैं उनको धुलने लायक रहता है तो वो उसमें मेंशन रहता है, आप जब कपड़ा लेते हैं तो उसके उसमें आपको मेंशन रहता है कि आप इस पे किस प्रकार से इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो हमेशा हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम कपड़े को खरीदें या फिर वो उसको हम परचेस करें तो हमें उस पे मेंशन किया हुआ उसका जो नोटिफिकेशन है उसे ध्यान देना चाहिए और उसी प्रकार से वस्त्र की धुलाई में करनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने पूरा तंतुओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अब हम मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो कपास के ऊपर होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।